आज दो महीना से चल रहे शांति बाग सत्याग्रह धरना में कर रहे धजता बहन जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, साथियों, आज क्या जरूरत पड़ा, कितनी ठंडे मौसम में भी हजारों हजार की संख्या में मां बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान आज धरना पर बैठे हुए। आज सीखने की जरूरत है कि आजादी के समय में इससे भी बढ़ चढ़ करके एक अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे मां बहनों ने कुर्बानी दिए, भाई बहनों ने फांसी पड़े, कितनी कुर्बानी दी, उसके अनुसार अभी छोटा सा अंश हम लोग कर रहे हैं शुरुआत। आज स्वतंत्र देश में, आजाद देश में आज हम गुलामी है। गुलामी क्या है? आज बेरोजगार है, गुलाम है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, शोषण दमन से आई देश कोई एक जाति या धर्म का देश नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यह समाजवादी देश है। इस देश में हर लोगों को रहने का, खाने का, पीने का, जीने का अधिकार है, चाहे किसी वर्ग का मानता हो, किसी धर्म का मानता हो। आज हिंदू धर्म में भी कई धर्म को लोग मान रहे हैं, तो कहां उसका कोई विरोध हो रहा है? कोई शंकर को, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को, कोई कुछ को। इसलिए इस्लाम धर्म भी है। या मोदी जी को पता नहीं है कि इस देश में सारी धर्मनिरपेक्ष, सारी संविधान में कहूं कोई टूटने का ही नहीं है। तो कहते हैं कि बांग्लादेश से आएगा हिंदू, पाकिस्तान से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा, उसको हम नागरिकता देंगे, लेकिन हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। लगता है मोदी जी के बाप का एक कानून बनाया हुआ है, एक कानून बनाया हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर का, एक संविधान बनाया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आज हमारे देश की आजादी की लड़ाई में एक से एक मारुटी नौजवानों ने कुर्बानी दिया, फांसी के फंदों को चढ़ा। कोई भाजपा और शेष के लोग बता दे कि आजादी की लड़ाई में कोई एक आगो झेल गया? क्या कोई एक आगो कुर्बानी दिया? वो लड़ाई लड़ रहा था कि तिरंगा झंडा नहीं रहे, भगवा झंडा रहे। वो लड़ाई लड़ रहा था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बने। बैठ जाए, हमारे गेस्ट और मनोहर राणा की जो बेटी है फौजिया राणा, वो भी बस थोड़ी देर में आने वाली है। एक गेस्ट हमारे आ चुके हैं और इनके बाद उन्हीं का खिताब होगा। आप लोग सभी अपने अपने जगह पे आराम से बैठो। भाई और बहनों, यह देश किसी जाति का नहीं। आज भगवा झंडा वो अपने नागपुर आरएसएस के ऑफिस पर फहराता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, आज तिरंगा का बड़ा लोकप्रिय हो गया। वो संविधान चलाने वाला लोग, मनुवादी लोग, अम्बेडकर को मूर्ति तोड़ने वाला लोग, गांधी का हत्यारा नाथूराम गौड़से, जो गांधी का हत्यारा हो सकता है वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता है, वह देश में रहने लायक नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई में आप सिर्फ नहीं है, हम भी सरहदा में 30 जनवरी से चला रहे हैं। वहां तमाम हिंदू, मुस्लिम और पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के लोग, सभी लोग एक साथ हैं। एक किसी को कहने का मुंह नहीं रहेगा कि खाली माइनॉरिटी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज माइनॉरिटी के लोग तो 4 ही लाख है, असम में एनआरसी में 19 लाख जो एनआरसी से बाहर हुआ, उसमें राष्ट्रपति के परिवार भी आते हैं, फौज सेना में जो थे उनके परिवार आते हैं। कहा है कि खाली मुसलमान की लड़ाई है? ये अगर खाली वहां माइनॉरिटी के लोग रहता तो लागू हो जाता, लेकिन वहां 19 लाख में 15 लाख हिंदू आए हैं, दलित, पिछड़ा, कमजोर वर्ग के लोग। मान लिया कि हमारे दादा चले गए असम, वहां चाय बगान में काम किए और वहीं रह गए, न कोई कागज है न कोई पत्थर है, हम क्या जुटाएंगे? उसी तरह से देश में करोड़ों करोड़ पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के लोग, अकलियत के लोग, सारी लोग कमा खा रहे हैं, कहूं ना कोई घर है, न मकान है, किराए के घर पर रह रहे हैं। क्या ये देश चलेगा? ये देश एक धर्म का नहीं, ये देश एक जाति का नहीं, ये देश एक पार्टी का नहीं, ये बगीचा है। बगीचा में रंग बिरंग का फूल खिलता है, सबका शोभा देगा। किसी देश में एक जाति का नहीं रहने का अधिकार है। इसलिए संविधान लगता है मोदी जी बनाए हैं, संविधान लगता है भाजपा बनाया है, कुछ के मर्जी पर चलेंगे। आज क्या हुआ? झारखंड दिखला दिया, 370 धारा हटाए, 3 तलाक के नारा दिए और उन्होंने राम मंदिर का दिया। हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको मकान चाहिए, हमको दवा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको न्याय चाहिए। क्या यही न्याय है जिसके राज में लाखों लाख लोग करोड़ों की संख्या पर रोड में हैं?
एक जामिया में वहाँ यूनिवर्सिटी पर हमला होता है, ये उनके छात्रों पर हमला होता है और पिटाने वाले छात्रों जो इलाज करा रहा था उन्हीं को मुदारे करके जेल भेजा जाता है, यही अन्याय है। कहा गया मोदी का फोन, कहा गया अमित शाह, अमित शाह तो अपने अपराधी है, क्रिमिनल है, 302 का मुदारे गुजरात में है और ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनाया है, उसके हाथ में सुरक्षा नहीं है, कखनी देश को जला देगा। और देश का राष्ट्रपति के हाथ में होता था तीनों सेनाओं का पावर, लेकिन आज आरएसएस के लोगों को उसमें बहाल किया जा रहा है। देश खतरा में है, देश खतरा में है। इस खतरा से बचाने के लिए अगर भगत सिंह की तरफ फांसी भी पड़ना पड़ेगा तो एक कम होगा, इसलिए कि आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा, पूछेगा देश चल रहा था आप क्या कर रहे थे। एक जानवर भी है, एक हम भी हैं, जानवर को खाना पीना वसूल नहीं है, लेकिन हम लोग में चेतना है। जब देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे, संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। आज संविधान का दिन है कि दिल्ली में 300 एमपी, 20 मुख्यमंत्री, पूरे देश के कॉरपोरेट अरबों खरब खर्चा किया, घर घर में गया, लेकिन ऐसे भाजपाइयों को मुंह पर थूक दिया कि तुम लोग जैसे कमीने लोगों को अब जरूरत नहीं है। जो देश में हिंदू मुस्लिम दंगा करवाता है, जो देश में दलितों का आरक्षण को छीनता है, जिस देश में ऊंच नीच के भाव रखता है, अरे मनुवादी व्यवस्था नहीं चलेगा। यहाँ संविधान में लिखा हुआ समाजवादी व्यवस्था, सबको शिक्षा, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको दवा, सबको रोजगार, आयस को काटना चाहता है। देश के नौजवानों को कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी तो नहीं दिया, 3,16,00,000 लोगों को नौकरी से हटाया गया, लाया कि नोटबंदी लाएंगे, पाकिस्तान के बहुत नोट आ गया है, कहा गया नोट, जितना नोट था उतना ही नोट पाया गया, तब जीएसटी लाया कि हमें करेंगे, इससे गरीबों को नुकसान हुआ, कल कारखाना बंद हुआ, रोजगार तो नहीं दिया, रोजगार छिनाया। अब देखता है कि कोई मुद्दा तो नहीं है, हमको वोट लेना है तो माइनॉरिटी को वोट से वंचित कर दो, दलितों को वोट से वंचित कर दो, पिछड़ों को वोट से वंचित कर दो, तब तो हमारा हिंदू वोट के नाम पर होगा। मैं भी हिंदू हूँ, हम लोग कभी नहीं भाजपा को न आए हैं न आने देंगे। और जिस तरह से दिल्ली में और झारखंड में सफाया हुआ, आने वाला चुनाव में बिहार और बंगाल से भी खाता नहीं खोलेगा इन दंगाइयों को, यह संकल्प के साथ हमारे बहुत से वक्ता है, समय कम मिला है, लेकिन एक अनुरोध हम आप करेंगे, ये लड़ाई सिर्फ गया का नहीं है, दिल्ली का नहीं है, ये लड़ाई गाँव गाँव में है। बहुत से माइनॉरिटी भाई हमारे कमजोर है, चले जाए अत्री में, चाहे बंडी हो, डटेसर हो, सरेन हो, सरभादा हो, इस इलाके में हो, लेकिन मैंने वहां जगाने का काम किया है, मेरा भी धरना चला, छोटा हिस्सा धरना है लेकिन चल रहा है। इसको हम लोग चाहते हैं, एक नहीं हजारों शांति बाग बने, हजारों लाखों जा करके दिल्ली वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, सरघाटी का कार्यक्रम चल रहा है, सब्जी बाग का कार्यक्रम चल रहा है, साहिल बाग का काम चल रहा है, एक एक गांव साहिल बाग बनेगा, कितना पर दमन करेगा, कितना दम है दमन में तेरा, देखा है और देखेंगे, कितना लंबा जेल तुम्हारा, देखा है और देखेंगे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुल्मे बहलो तुह बह जा, जुल्मे बहलो तुह बह जा, जुल्मे के छाती पर चढ़ जा, जुल्म से तड़प के मरना का है, मरने हो तो लड़के मर जा, लड़के मर जा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम इंकलाबी भाइयों और बहनों को मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लाल सलाम पेश करते हैं। और आपकी लड़ाई में हम लोग हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं, तमाम हिंदू महिलाएं भी कल से हम लोग सैकड़ों की संख्या में भेजेंगे और कहेंगे चलो सीखो, चलो सीखो, शांति मार्ग से सीखो, आत्मधारा से सीखो, सर्वाधा सीखो, सरघाटी से सीखो और जाके तमाम जगहों से सीखो। एक क्लास है, एक पढ़ाई है, जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम भाइयों बहनों को मैं इनकलाब जिंदाबाद, संविधान बचाओ, देश बचाओ, जय हिंद।